अगली खबर का रुख करते हैं। दिवाली बीत चुकी है, दिवाली बीतने के साथ ही अब इंतजार उस बम का है जिसके फूटने की टाइमिंग देवेंद्र फडणवीस ने तय की थी। कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से जुड़े रिश्तों पर खुलासा करेंगे सबूत के साथ। आज देवेंद्र फडणवीस तो नहीं बल्कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज मुंबई प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहित कंबोज नवाब मलिक के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा करेंगे और ये बताएंगे कि मंत्री रहते हुए नवाब मलिक ने कहां गलती की। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले नवाब मलिक ने मोहित कंबोज पर यह आरोप लगाया था कि क्रूज रेव पार्टी मामले में उनके साले ऋषि सचदेवा को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन बीजेपी नेताओं के दबाव में समीर वांखेड़े ने उन्हें छोड़ दिया। सचदेवा और मोहित कंबोज की एक साथ खींची हुई तस्वीरें भी दिखाई थी। मलिक के इस आरोप के बाद मोहित कंबोज ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दायर कराया था। मोहित कंबोज पर जब से नवाब मलिक ने आरोप लगाए हैं तब से ट्विटर पर नवाब मलिक पर कमेंट वो कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में उन्होंने कई ट्विटर पोस्ट की है और लिखा है कि आज वो नवाब मलिक को दिवाली गिफ्ट देने वाले हैं। समीर वांखड़े को 6 केसों से हटाने के बाद मोहित कंबोज ने लिखा है कि अब नवाब मलिक का दामाद समीर खान तो गया। मोहित कंबोज ने यह भी कहा है कि उनके ऊपर झूठे केस किए जा रहे हैं। कंबोज ने कहा है कि वो नवाब मलिक की धमकी से डरते नहीं है। कंबोज ने यह भी कहा है कि वो आज मलिक की हर बात का जवाब देंगे। क्या अभी भी ये जो धमकी दे रहे हैं कि झूठे केसेस कराने के मेरे ऊपर, तो क्या अभी भी परमवीर और सचिन वाजे जैसे पुलिस वाले मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस में हैं जो इनके दबाव में आके झूठे केस करेंगे या मनसुख हिरेन मेरा करेंगे? तो मियां नवाब मलिक से मैं बोलना चाहूँगा, ए मियां तेरी कोई धमकी से मैं डरता नहीं। तू क्या तोड़ेगा और क्या मोड़ेगा और तू क्या गाड़ेगा, इतना बोलता हूँ, तू जो कर सकता है वो कर ले। तेरी हर बात का जवाब मैं दूंगा और तेरी तरह ना मैं ये Z+Y+Y सिक्योरिटी लेके घूमता नहीं हूँ। तेरे पास कुर्सी है, तेरे पास शासन है, तेरे पास प्रशासन है, तो आज तेरे को लगता है तेरे पास जोर है ना, मेरे पास सच्चाई है और मैं सच्चा हूँ, तेरी बात से लड़ूंगा। तेरे हर एक झूठे नैरेटिव, हर एक झूठी बात को मैं जवाब दूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं टूटूंगा, ना मैं तू मुझे गाड़ पाएगा। ये वक्त बताएगा कि कौन गड़ेगा और कौन बचेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।